मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा हम लोगों ने स्मृति पाठ पढ़ना शुरू किया था। पहले भी पढ़ चुके हुए हैं लेकिन आगे शुरू करने से पहले एक दो बातें आपसे करना चाहती हूँ। पहले बेटा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर था, एमसीक्यू था। मुझे किसी ने पूछा था कि अब पेपर कैसे आएगा। पहले बेटा ऑब्जेक्टिव पेपर था, अब आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर है। एक दो दिन में हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। पेपर का पैटर्न जो अब तक सीबीएसई के द्वारा भेजा गया है वो मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लूंगी। अब एमसीक्यूज नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर है। ग्रामर का कोई टॉपिक नहीं है, सारे लिटरेचर के टॉपिक्स हैं और राइटिंग स्किल्स हैं। ठीक है, आप लोग राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ेंगे, अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। पिछली बार एमसीक्यूज थे और वो भी कॉम्प्रिहेंशन में, तो वो ईजी था करना। लेकिन अब जैसे आप पिछली कक्षाओं में पढ़ते थे वैसे ही आपको प्रश्न उत्तर करने हैं। ठीक है, और ये बात मैं आपसे बार बार कह चुकी हूँ कि प्लीज चैप्टर को थॉरो पढ़ें। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने बैग एक्सरसाइज के नहीं करने हैं, आपको थॉरो चैप्टर आना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है इंटरनली। ठीक है, और राइटिंग के प्रैक्टिसेस कीजिएगा, राइट। चलिए, स्मृति पाठ जो कि लेखक श्री राम शर्मा जी द्वारा लिखा गया है, पाठ शुरू होता है 1908 की बात से। आज है 2021, 1908, 100 साल से भी ज्यादा समय, ठीक है, तब की ये बात है। कुछ दिन पहले जब हम ये पाठ पढ़ रहे थे आप लोग बड़े हैरान हुए थे, अच्छा भाई भाई साहब ने बुलाया और डर कर लेखक चला गया, 100 साल पुरानी बात है। उस समय ऐसा माहौल नहीं था जैसा आज है। आज नैतिक मूल्य बदल चुके हैं, हमारा व्यवहार बदल चुका है, हमारा बोल चाल का ढंग बदल चुका है, पहले ये सब नहीं था। शर्म महसूस की जाती थी, सदाचार था। सदाचार मतलब अच्छा बिहेवियर, सदाचार था और नैतिक मूल्यों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था, महत्व आज भी दिया जाता है। बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है, ये बात बहुत गहराई से इस पाठ में समझी जा सकती है। लेखक कहते हैं दिसंबर का आखिर था या जनवरी का प्रारंभ था, कुछ दिनों से बूंदाबांदी हो रही थी जिस कारण ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेखक अपने भाई के साथ, अपने साथियों के साथ बेर तोड़कर खा रहे थे। इतने में किसी ने आकर बताया कि तुम्हारे भाई साहब तुम्हें बुला रहे हैं। केवल यही कहा गया कि तुम्हारे भाई साहब तुम्हें बुला रहे हैं, शीघ्र घर लौट जाओ। इतने शब्द सुनते ही लेखक की क्या दशा हुई? लेखक को अपनी पिटाई का डर था सिर्फ ये शब्द सुनते ही। और आज क्या होता है, हम कोई बड़ी से बड़ी गलती भी कर दे तो हो गया, हम क्या करें? होता या नहीं होता ऐसा, है ना? मैं क्या करूं, मुझसे हो गया, मैं अगली बार से ठीक कर लूंगी या कर लूंगा, ये भी बहुत कम लोग कहते हैं। गलती से हो गया तो आगे से नहीं होगा, वो आगे से नहीं होगा कहना भी जैसे हम दूसरों पर एहसान का बोझा लाद रहे हैं। है ऐसा या नहीं है? ठीक है, अब लेखक कहते हैं उनके साथ उनका छोटा भाई भी था और भाई साहब की मार का डर भी था, इसलिए सहमे हुए घर की ओर
चल पड़े और समझ नहीं आ रहा था कि हमारा कसूर क्या है, हमें बुलाया क्यों गया, हमें क्यों पीटा जाएगा, इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब घर पहुंचे तो देखा भाई साहब आंगन में बैठे पत्र लिख रहे थे। उन्हें पत्र लिखते हुए देखकर हमारा भय दूर हुआ कि गुस्से में नहीं है, ठीक ठाक है सब कुछ। और भाई साहब ने उनसे कहा कि पत्रों को मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। गांव में रहते थे, गांव से कुछ दूर मक्खनपुर था, मक्खनपुर में पत्र डालने के लिए, मक्खनपुर के डाकखाने में पत्र डालने के लिए कहा गए। जल्दी से जाना था क्योंकि शाम की डाक निकलने वाली थी और यह बहुत जरूरी थी, जो पत्र वो भेज रहे थे बहुत जरूरी पत्र था, ऐसा कुछ बताया नहीं गया। ठीक है, सर्दियां थी इसलिए कानों पर धोतियां बांध ली और माँ ने भुंजाने के लिए चने दे दिए। आजकल हमारे पास बड़े वो फैंसी आ गए हैं, यहाँ पर हम कानों में लगा लेते हैं, कानों पर सर्दियों में तो हमें ठंड नहीं लगती, लगाते हैं फैंसी टोपियां आ गई हैं, मंकी कैप्स आ गई हैं जिन्हें हम पहन लेते हैं। पहले ऐसी इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, ठंड से तो बचाना था तो धोतियों को ही बांध लिया जाता था कानों को ठंड ना लगे। अगर आपको पता हो तो हमें सबसे ज्यादा ठंड कानों को, नाक को और पैरों को लगती है। ठीक है, तो धोतियां लपेट ली गई, बांध ली गई और माने भुंजाने के लिए चने दे दिए भुनवाने के लिए। लेखक ने बताया है कि उनके पास एक डंडा था जिसे वो बहुत ही प्यार करते थे। आज अगर उन्हें राइफल दे दी जाए तो वो उस राइफल को इतना पसंद नहीं करेंगे जितना प्यार उन्हें अपने डंडे से था। और ये क्यों था? क्योंकि उन्होंने अपने डंडे से बहुत सारे सांपों को मारा था और जब आम लग जाते थे पेड़ों पर तो इस डंडे से बहुत सारे आम तोड़े जाते थे और उस समय ऐसे प्रतीत होता था जैसे डंडा सजीव हो उठा है। अपने डंडे से उन्हें बहुत प्यार था और अपने डंडे पर बड़ा मान था कि अपने इस डंडे के सहारे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी सांप का मुकाबला कर सकता हूँ। फिर लेखक ने यह बताया कि उनके पास एक टोपी थी जिसे वो पहन लेते थे, टोपी पहनते थे। उन्होंने वो चिट्ठियां अपनी टोपी के अंदर रख ली, चल पड़े। जब स्कूल में जाते थे, मक्खनपुर की ओर जाते थे, रास्ते में एक कुआं पड़ता था, कच्चा कुआं था। हाँ, पहले यही पहरावा था। आपने देखा है आजकल भी जो महाराष्ट्र के लोग हैं कुर्ता पजामा पहना होता है और साथ में टोपी पहनी होती है, देखा है आपने कुर्ता पजामा और टोपी, पहले ये पहरावा था। पैंट शर्ट तो बहुत देर बाद आई है। अगर आपने अपने आसपास किसी बुजुर्ग को देखा हो अक्सर ही पजामा पहनते हैं और कुर्ता पहनते हैं, जो बहुत बुजुर्ग हैं तब भी पहनते थे स्कूल जाते हुए भी। क्योंकि अगर आपको याद हो हमने पाठ में यहाँ पर पढ़ा था कि जब स्कूल जाते थे तो एक हाथ से टोपी को पकड़ लेते और मिट्टी का ढेला उठाकर पहनते थे। ठीक है, अभी भी उन्होंने वो चिट्ठी अपनी टोपी के नीचे रख ली। फिर बताते हैं कि रास्ते में एक कच्चा कुआं पड़ता था, जब स्कूल आते जाते थे तो उस कच्चे कुएं में मिट्टी का ढेला फेंकते थे, उसमें एक काला सांप था, पता नहीं वो कहाँ से आया था, लेकिन जब मिट्टी का ढेला उसमें फेंका जाता तो सांप फुंकार करता था, उस फुंकार को सुनने के लिए मिट्टी का ढेला फेंकते थे। और जब मिट्टी का ढेला फेंका जाता सांप की आवाज आती तो खुश होते थे, उस सांप की आवाज को सुनने के लिए बार बार उसमें वो फेंका जाता था और बड़ा अच्छा लगता था। उसमें से प्रतिध्वनि भी आती थी, प्रतिध्वनि मतलब आवाज इको होती थी, प्रतिध्वनि भी आती थी, उसे भी सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। उसके बाद बताते हैं कि हर रोज ऐसा ही किया जाता, ये एक आदत बन गई थी। और अब जब जा रहे थे दोनों तो उनका भाई उनके पीछे एक मृग शावक की भांति
चल रहा था। मृग शावक, मृग मतलब हिरण, शावक मतलब बच्चा। जैसे एक बड़े मृग शावक के पीछे एक छोटा मृग शावक चलता है, वैसे ही उनका भाई उनके पीछे पीछे चल रहा था। कहते जब हम कुएं के पास पहुंचे, मैंने अपनी टोपी उतारी और सांप की फुंकार सुनने के लिए एक ढेला वहां पर फेंक दिया। ढेला क्या फेंका, बिजली गिर पड़ी उन पर। क्यों? हाँ जी, ढेला मिट्टी का ढेला, जो मिट्टी जम जाती है, टीले से बन जाते हैं कहीं, बड़ा सा मिट्टी का ढेला वो उठाकर पहन दी। ठीक है, कहते मुझ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। क्यों गिर पड़ी? टोपी उतारी और ये ध्यान में नहीं रहा कि उसमें चिट्ठियां हैं। चिट्ठियां चक्कर खाकर कुएं में गिरती हुई दिखाई दी। उस समय दशा ऐसे हुई जैसे किसी हिरण को तीर लगाओ और वह घायल होकर तड़प रहा हो। वैसे ही कहते हैं मैं भी तड़पने लगा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। छोटा भाई दहाड़े मारकर रोने लगा, लेकिन कहते हैं मेरी आंखों की पलकें किसी ढक्कन जैसी थी, जिसको बंद किया जाए तो उसमें से आंसू टपक पड़े। बहुत ही मिक्स सी फीलिंग्स थी, भावनाएं ऐसी थी कि निराशा भी थी, डर भी था, घबराहट भी थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। निराशा किस बात की? चिट्ठियां गिर गई हैं, वापिस नहीं मिलेंगी, निराशा थी। डर किस बात का था? पिटाई होगी। घबराहट किस बात की थी? घर कैसे जाना है। सब कुछ मिला जुला था, मिली जुली भावनाएं उनके मन में आ रही थी। छोटा भाई रो रहा था और उनकी आंखें डबडबा रही थी। एक बार मन में आ रहा था कि माँ अपनी गोद में बिठा ले और कहे कोई बात नहीं बेटा, चिट्ठियां दोबारा लिख ली जाएंगी, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। कभी मन करता था बहुत सारी मिट्टी उसमें कुएं में डाल दी जाए जिसमें चिट्ठियां छुप जाएं और हम कह दें कि चिट्ठियां डाल आए हैं, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता था। चिट्ठियां बहुत जरूरी थी और चिट्ठियां अगर नहीं मिली तो वैसे ही पकड़े जाएंगे। और झूठ बोलना नहीं आता था, झूठ बोल ही नहीं सकते थे, सच बोलने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि पिटाई होने का डर था। बहुत ही मुश्किल थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। नेक्स्ट पढ़ रही हूं, पेज नंबर 12। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। इस दुविधा में थे कि क्या किया जाए, लेकिन जब हम कोई पक्का निश्चय कर लेते हैं, जब हम कुछ सोच लेते हैं, दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, तो दुविधा दूर हो जाती है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। ये सोच लिया कि कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकाल लिया जाए। कितना भयंकर निर्णय था। कुएं में सांप है, वहां जाकर चिट्ठियां निकालनी है आसान काम है? बहुत भयंकर निर्णय था। पर जो मरने को तैयार है उसे क्या? मैं तो ये सोच चुका था, मैं तो मरने को तैयार था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग स्वीकार कर ही ले तो वह भी जानबूझकर, तो फिर भी वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। चाहे मूर्खतावश, चाहे बुद्धिमत्ता से, जब आप मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो ही जाते हैं तो फिर आपको किसी बात की चिंता नहीं होती। आप पूरी दुनिया से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब मैं सोच ही चुका हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही जाऊंगा, फिर उसमें डर कैसा। और फल, फल मतलब रिजल्ट, उसका परिणाम क्या होगा, उसे फल की क्या चिंता। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। भगवान जो है वो फल देंगे, हमें तो कर्म करना। जब सोच लिया कि ये करना है तो करना है।
उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया, पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं थी, पर विश्वास ये था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। अपने डंडे पर उनको बड़ा विश्वास था, ये सोच लिया कि पहले मैं डंडे से मारूंगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारे सांप अपने डंडे से मारे। बड़ा भाई की बात हो रही, लेखक बड़ा भाई है। ठीक है, उन्हें अपने डंडे पर बहुत विश्वास था जिससे उन्होंने कई सांपों को पहले भी मारा था। अलिंगन कर लेना, मौत का लिंगन, गले लगा लेना, अलिंगन गले लगा लेना। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैं कुएं में घुसने की मैंने ठान ली। ठान लेना मतलब पक्का निश्चय कर लेना कि मैं सांप को इस डंडे से मार दूंगा, चिट्ठियां उठाकर ले आऊंगा, इसलिए मैं कुएं में कूदने के बारे में सोचने लगा और मैंने ये पक्का निश्चय कर लिया कि मैं ऐसा करूंगा। छोटा भाई रोता था और उसने रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। ये तो है ही है, जहां सांप बैठा है, कुआं है, नीचे जाएगा, कुछ भी हो सकता है। छोटा भाई ये सोचकर रोने लगा, यद्यपि वह शब्दों से नहीं कहता था, बोल नहीं रहा था कि नीचे जाओगे, मर जाओगे, सांप तुम्हें काट लेगा, लेकिन रो रहा था जिसका यही मतलब था। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। सांप ने कोई कपड़े नहीं पहने होते ना, इसलिए कहा है नग्न रूप। सजीव मतलब जिंदा, सांप जिंदा है, सजीव और नग्न रूप में थी। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ, एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक जिसमें चने बंधे हुए थे, और दोनों ने कानों पर जो एक एक धोती पहन रखी थी, कुल मिलाकर पांच धोतियां और रस्सी। टेस्ट में पूछा जा सकता, कुल मिलाकर पांच धोतियां थी और कुएं की गहराई के लिए ये काफी था। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं, गांठ खुल तो नहीं जाएगी, अपनी ओर से कोई धोखे का काम ना रखा, कोई धोखे का काम नहीं रखा, खूब अच्छे से देख लिया। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया, दूसरे सिरे को डेंग के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। एक गांठ लगाकर उसे दे दी कि वो बाहर खड़ा उसे पकड़े रखेगा और लेखक उसके सहारे नीचे जाएंगे, और नीचे धोतियों के साथ एक डंडा भी लटका दिया, उसने अपना डंडा उसके साथ लटका दिया। अब डंडा पकड़कर साथ में और रस्सी पकड़कर वो तो नहीं जाया जा सकता था ना, तो डंडा उन्होंने रस्सियों के साथ बांध दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा, छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। कहते मैंने उसे आश्वासन दे दिया कि मैं जैसे ही नीचे पहुंचूंगा, आश्वासन मतलब विश्वास, उसे यकीन दिला दिया, भरोसा दिला दिया कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा मैं सांप को मार दूंगा। और भाई को इस बात पर विश्वास भी था क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसे सांपों को मारा था, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कहते मैंने भी यही सोचा था कि ऐसा ही होगा, कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय नहीं था, जरा भी डर नहीं था।
उसको मारना मैं अपने बाएं हाथ का खेल समझता था। बाएं हाथ का खेल मुहावरा है, बाएं हाथ का खेल मतलब बहुत आसान काम। कुएं के धरातल से, धरातल मतलब पैंदा उसका जमीन, नीचे जो उसकी जमीन है, धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा, तब ध्यान से नीचे देखा, अकल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से, एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था पूंछ, और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, आधा अग्र भाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। अग्र भाग, अग्र मतलब अगला, आगे वाला हिस्सा। कहते मैं सांप से थोड़ा ही दूर था, ज्यादा दूर नहीं था, और सांप उसकी पूंछ और थोड़ा सा पीछे का हिस्सा जमीन पर था, आगे का हिस्सा उसने ऊपर उठाया हुआ था और फन फैलाए हुए थे अपने, जैसे वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था, मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, ऑब्वियसली डंडा बंधा हुआ है वो उतरेगा तो डंडा हिलेगा, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। घातक चोट मतलब जो नुकसान पहुंचाए, कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है, और सांप क्रोधित होकर फन फैलाकर खड़ा होता है और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंद्वी, प्रतिद्वंद्वी मतलब कॉम्पिटिटर, शत्रु, उसका प्रतिद्वंद्वी यानी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी, भार के साथ लटकाई हुई थी ना, तो वो कुएं के बीचों बीच लटकी हुई थी और मुझे कुएं के बीचों बीच ही उतरना था, साइड्स पर कहीं नहीं उतर सकता था कि सांप से थोड़ा दूर रहूं। हाँ, डेंग से बांध दिया था वो जगह ना, जिसके साथ बांध दिया कुएं के बाहर, ठीक है, उसके साथ बांध रखा था, इसलिए मुझे बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट, गज नहीं फुट की दूरी पर पैर रखना था, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता, अगर वो वहां उतरता तो सांप उसको डस लेता। स्मरण रहे, स्मरण रहे मतलब याद रहे, कीप इट इन द माइंड। कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, व्यास मतलब डायमीटर, उसका डायमीटर बहुत कम होता है। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं, ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, और वो भी तब जब सांप मुझसे दूर रहने की कोशिश करता, पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था, ऊपर से लटक कर तो सांप को मारा नहीं जा सकता था, उतरना तो पड़ना ही था, थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। वो कहते मैं धोती का सहारे पकड़ पकड़ के नीचे उतर रहा था, थक चुका था, अब सांप को देखकर मैं वापस ऊपर भी नहीं जा सकता था क्योंकि मैं थक चुका था। अब तक अपने प्रतिद्वंद्वी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था, कहते अभी तक मैंने सोचा नहीं था कि मैं उसको पीठ दिखाकर वहां से जाऊंगा, यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना मैं ऊपर भी नहीं जा सकता था, इसलिए धीरे धीरे उतरने लगा। 1-1 इंच ज्यो ज्यो मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों त्यों मेरी एकाग्र चित्तता बढ़ती जाती, कंसंट्रेशन बढ़ रही थी सांप की ओर, कंसंट्रेशन बढ़ रही थी। मुझे एक सूझ सूझी, एक उपाय सूझा, दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए, बीचों बीच उतर रहा था, कुएं की दीवारें हैं, ठीक है, धोती से, धोती पकड़ी हुई है हाथों से, लटक रहा है, और कहता मुझे एक उपाय सूझा कि सीधा नीचे उतरने की बजाय मैं अपने पैर दीवार पर लगा दूं, सहारा मिल जाएगा पैरों को भी, और हाथ तो बंधे हुए हैं ना, तो पैरों को भी एक सहारा मिलेगा, धीरे धीरे फिर सोचूंगा कि क्या करना है। दीवार से पैर लगते ही कुछ मिट्टी नीचे गिर गई और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा, मेरे पैर भी दीवार से हट गए
और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकी रही। समकोण होता है राइट एंगल, ठीक है। कहता मैं ऐसे लटका हुआ था और मेरे पैर जो थे वो दीवार पर लगे हुए थे। जैसे इस सांप ने फुंकार मारी, मेरे पैर दीवार से हट गए और एक समकोण बन गया टांगों का। कमर के सारे जो टांगे थी पहले दीवार से लगी हुई थी, वहां से हट के जैसे हवा में लटक रही थी, ऐसे एक समकोण बन गया। इस तरह से ये शरीर था पूरा राइट एंगल। ट्रायंगल होता है त्रिकोण, इन्होंने बोला समकोण, ठीक है, राइट एंगल। तो कहते हैं कि ये मेरा शरीर था और कमर से आकर टांगे ऐसे सीधी हो गई, तो वो एक समकोण एल शेप, ठीक है, वो बन गया। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि का पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंद्वी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हूं, मतलब धरातल पर आ गया। मैंने सांप को देखा, उसने मुझे देखा, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षु श्रवा कहते हैं, रेप्टाइल है ना सांप, पता है ना रेप्टाइल है, कान तो होते नहीं उसके, शरीर के सहारे महसूस करता है सब कुछ और आंखों से देखता है, मतलब वो सुन रहा है अपनी आंखों से, चक्षु श्रवा कहते हैं। मैं स्वयं चक्षु श्रवा होता हो रहा था, मैं भी उसको आंखों से देख रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हूं। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी, वह कब किस ओर आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। जो मैं सोच कर आया था वो तो दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं, अनुमान मतलब उसका अंदाजा और भावी योजनाएं मतलब फ्यूचर प्लानिंग्स, कभी कभी मिथ्या और उल्टी निकलती है। मिथ्या मतलब झूठ, कभी कभी झूठ निकलती है, वैसा हो नहीं पाता जो हम चाहते हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था। डंडा चलाना, घुमाना, सांप को मारना, इतनी जगह ही नहीं थी वहां पर जिसमें वे घुमाए जा सके। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता है, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना। तोप होती है ना, उसके आगे से गोले निकलते हैं। सांप को फन से दबाना मतलब तोप के सामने खड़े होने जैसा था। और यदि फन या उसके समीप का भाग ना दबा तो वह पलटवार जरूर करता, और फन के पास दबाने की संभावना होती तो उसके पास पड़ी हुई दो चिट्ठियां कैसे उठाता। अब जब फन पर दबाना था तो एक हाथ से तो दबाया नहीं जा सकता, दोनों हाथ से दबाना था। पहली बात ये है, सिट प्रॉपरली, हैव वाटर। पहली बात ये है कि अगर तो मैं उसको उससे दबाता, फन उसका दबाता, तो एक डंडा चाहिए, डंडा है, एक हाथ से दबा नहीं सकता, दो हाथों से दबाना पड़ेगा। पहली मुसीबत यह है कि अगर फन ना दबे, कहीं और चला जाए डंडा, तो वह मुझ पर पलटवार करता। दूसरी बात, अगर मैं दोनों हाथों से डंडा पकड़कर उसको दबाता तो चिट्ठियां कैसे उठाता, ये ख्याल छोड़ना पड़ा। दो चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी, सटी हुई मतलब उसके बिल्कुल बास पड़ी थी, एक मेरी और थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था, सांप को थोड़ी मारना था, चिट्ठियां ही लेनी थी, मेरा मोटिव तो चिट्ठियां लेना था। हम दोनों अपने पैंतरों पर डटे थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़ कुचल कर मार देता,
पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अगर मैं उसको मार भी देता, उसके पास जाता, मार देता, तो मुझे डस तो लेता ही ना, वो भी मरता और मैं भी मरता। इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना ठीक भी था। अब प्रश्न था चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, बस एक काम हो सकता था, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा नहीं था, कुर्ता था और कोई कपड़ा भी नहीं था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, ये दो रास्ते थे, या मार दूं या बिल्कुल छेड़खानी ना करूं। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, मारना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा, मजबूर होकर मुझे दूसरा रास्ते चुनना पड़ा कि इसको छेड़खानी इसके साथ ना की जाए। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाई और पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ, धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा ना मानी, डंडा छूट पड़ा। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर तीन चार स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ। उसने तीन चार बार डंडे पर मारा और उसका जो विष था, उसका जो जहर था, वो डंडे पर पड़ा हुआ था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट दे दिया था, कहता पर मुझे इसको देखने की जरूरत नहीं थी, मुझे वैसे ही पता कि सांप कितना खतरनाक होता है। सांप ने लगातार फूंफूं करके डंडे पर तीन चार चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। कहता मेरे डंडे ने पहले कभी ऐसा अपमान नहीं था कि सांपों ने उस पर मारा और विष डाला। इसके बाद लेखक बचा या नहीं बचा, सांप ने उसके साथ क्या किया नहीं किया, ये हम कल पढ़ेंगे।